हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते क्या हैं और इसको सी लैंग्वेज में क्यों यूज़ करते हैं, और इसको हम रन भी करा के देखेंगे अपने कोड ब्लॉक पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, कि कैसे वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आपके पास एक डिक्रीमेंट और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये आपका क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये आपका क्या है, ये प्लस प्लस, ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ये दो ऑपरेटर हैं। अब ये वर्क कैसे करते हैं, इसके लिए अगर a इक्वल टू 10 है, जैसे आपकी वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू 10 वैल्यू है, अगर आप a प्लस प्लस करेंगे, अगर a प्लस प्लस करेंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है a इक्वल टू a प्लस 1, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि a इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, मतलब a की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ऐसे ही माइनस माइनस में होगा, ये माइनस माइनस कर देंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू a माइनस 1, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 1 9, तो a की वैल्यू इसमें इस कंडीशन में कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अभी आप ये तो ये दोनों आपके क्या हो गए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गए। अभी आप क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मतलब प्लस प्लस जो है वो बाद में भी लगा सकते हैं या फिर पहले भी लगा सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है, और ये आपका क्या कहलाता है, प्री इंक्रीमेंट। ऐसे ही आपका पोस्ट डिक्रीमेंट होता है और प्री डिक्रीमेंट होता है। अभी ये वर्क कैसे करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, ये भी देख लेते हैं आप। अगर मैं लिखूं, अगर x इक्वल टू, या फिर a की वैल्यू हम पहले दे देते हैं 10, ठीक है ना, और x की वैल्यू हम दे रहे हैं कितनी, a की a प्लस प्लस दे दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। अब a प्लस प्लस इसमें क्या आएगा, a प्लस प्लस, ठीक है। अभी ये क्या होगा, सबसे पहले एडिशन, a प्लस प्लस आ रहा है और यहाँ पर भी हम कर सकते हैं ऐसे ही, तो a प्लस प्लस जो है आपका, ठीक है, तो a ये सबसे पहले होगा क्या, इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन होगी यहाँ की, ठीक है, तो इस कैलकुलेशन में होगा क्या, सबसे पहले a की वैल्यू वो x में डाल देगा, मतलब यहाँ पर होने के बाद x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, और फिर क्या करेगा ये, a इक्वल टू a प्लस 1 करेगा। पहला इसका स्टेप क्या होगा कि a की वैल्यू x में डालेगा, और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा a इक्वल टू a प्लस 1 करेगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, अब 11 हो जाएगी। अगर आप दोनों को प्रिंट कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, a की वैल्यू कितनी आएगी, 11 आएगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये प्री इंक्रीमेंट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें x इक्वल टू अगर प्लस प्लस a करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका, सबसे पहले पहला जो स्टेप होगा वो क्या करेगा, a इक्वल टू a प्लस 1 करेगा, मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, 11 हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा स्टेप क्या करेगा, x में क्या डाल देगा, a की वैल्यू कितनी है इसमें, 11 हो चुकी है, तो इस कंडीशन में आपकी a की वैल्यू तो 11 आएगी मगर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, यहाँ पर आपकी कितनी थी, 10 थी। तो ये क्या करता है, प्री इंक्रीमेंट है, मतलब पहले ये इंक्रीमेंट कर देता है उसके बाद वैल्यू डालता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले ये वैल्यू डाल देता है उसके बाद इंक्रीमेंट करता है, तो इसलिए पोस्ट इंक्रीमेंट। सेम एज इट इज आपका डिक्रीमेंट और आपका प्री डिक्रीमेंट या फिर पोस्ट डिक्रीमेंट में भी होता है। अभी आप प्रोग्राम रन करा के देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है ये। अभी हमने क्या लिया है, यहाँ पर
इंटीजर ए और बी लिया है, ठीक है, और इसके बाद इक्वल टू 5, बी में क्या करवा रहे हैं हम, इक्वल टू 5 किया तो हमने क्या हो गया, एकदम से इंटीजर ए यहाँ पर बन गया, ये बी यहाँ पर बन गया, ठीक है, इक्वल टू 5, ए में क्या चले गया, 5 चले गया। इसके बाद हमने क्या करा, ए प्लस प्लस करा, प्लस प्लस ए, तो प्लस प्लस ए मतलब कि पहले इंक्रीमेंट करा रहे हैं ना, तो पहले इंक्रीमेंट करा रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 6 हो जाएगी, ठीक है, और इसके बाद बी में कितना चले जाएगा, 6 चले जाएगा। तो अगर बी को प्रिंट कराएंगे तो कितना आने वाला है आपका, 6 आएगा, और ए को प्रिंट कराएंगे तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा। और अगर आप चीज़ें चेंज करेंगे थोड़ा सा, ये अगर आपने चेंज करा, इसकी जगह आपने क्या लिखा, p इक्वल टू ए प्लस प्लस लिखा, तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, यहाँ पर आपका आने वाला है, पहले a की वैल्यू डाल देगा, मतलब a की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो 5 डाल देगा यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद a प्लस प्लस करेगा, मतलब इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, इस कंडीशन में आपका ये होगा। तो ये दोनों केस, जो केस फर्स्ट है और केस टू है, दोनों में भी रन करा के देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और कवर कराना चाहता हूँ, जैसे आपने करा 4 प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, 4 इक्वल टू 4 प्लस 1, तो ये तो गलत है, मैथमेटिकली भी गलत है और लॉजिकली भी गलत है। तो ये अगर करते हैं हम, तो इसका क्या आएगा आपका, एक एरर आपका आ जाएगा, तो ये गलती आप ना करें। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं अपने कोड ब्लॉक पे कि किस तरह से रन हो रहा है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड ब्लॉक पे हमने सेम प्रोग्राम कॉपी कर लिया है, इसे मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर ए बी और नीचे ए इक्वल टू 5 और नीचे लिखा हुआ है बी इक्वल टू प्लस प्लस ए, जो कि प्री इंक्रीमेंट है हमारा। प्री इंक्रीमेंट में हमें ऑलरेडी पता है कि प्री इंक्रीमेंट में ए की वैल्यू सबसे पहले चेंज हो जाएगी, प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर 6 होने के बाद बी में आपकी वैल्यू वो चली जाएगी। उसके बाद हम नीचे प्रिंट करवा रहे हैं बी और ए, तो बी की वैल्यू भी हमारी 6 हो जाएगी यहाँ पर, और ए की वैल्यू भी हमारी 6 हो जाएगी इस केस पे। इसे हम बिल्ड और कंपाइल करा के देखते हैं। अभी से हमने बिल्ड और रन कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 और 6 वैल्यू आ रही है। मैं इसे जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली 6 और 6 आ रही है। अभी हम क्या करते हैं, इस प्लस प्लस को चेंज करके देखते हैं। इसे क्या करेंगे हम, प्री इंक्रीमेंट से पोस्ट इंक्रीमेंट करके देखते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, सबसे पहले ए की वैल्यू बी में चली जाएगी, मतलब कि 5 एज इट इज बी में कॉपी हो जाएगा, उसके बाद ए की वैल्यू चेंज होगी। तो मतलब ए की वैल्यू तो आपकी 6 हो जाएगी, मगर बी की वैल्यू आपकी 5 ही रहेगी। तो इसे भी हम कंपाइल करा के देखते हैं। यहाँ पे आपका बिल्ड और रन कर दिया है। इसके बाद आपका जो ब्लैक स्क्रीन आएगी, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बी की वैल्यू हमारी 5 ही होनी चाहिए और ए की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी की वैल्यू आपकी 5 ही है और 6 जो है आपकी ए की वैल्यू है। तो अब एक चीज और करके देखते हैं, थर्ड केस और लेके चलते हैं हम, और सेम एज इट इज हम डिक्रीमेंट में भी कर सकते हैं, माइनस माइनस लगा के भी कर सकते हैं। तो वो एक लेके चलते हैं, ये हमने प्री डिक्रीमेंट ले लिया है। प्री डिक्रीमेंट में हमारा होने क्या वाला है, प्री डिक्रीमेंट में आपका ए की वैल्यू जो है वो सबसे पहले डिक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब 5 से 4 हो जाएगी, और उसके बाद बी में वो वैल्यू असाइन हो जाएगी, मतलब कि बी में भी वही वैल्यू आ जाएगी और ए में भी वही वैल्यू आ जाएगी। इसे हम क्या करते हैं, कंपाइल और रन कराते हैं। कंपाइल और रन कराने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बी और ए की वैल्यू हमारी 4 और 4 ही आनी चाहिए अपनी ब्लैक स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो बिल्कुल क्लियरली आ रहा है यहाँ पर। अभी एक लास्ट केस और लेके चलते हैं। अगर हम किसी भी कांस्टेंट है, जैसे हमने 4 लिया था, उसको हम प्लस प्लस करेंगे,
मतलब कोई कांस्टेंट को प्लस प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा वो देख लेते हैं। इसे बिल्ड और कंपाइल कराएंगे। अब बिल्ड और कंपाइल कराने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेड डॉट आ रहा है, मतलब कि एक एरर जनरेट हो रहा है। तो जैसे कि हमने बताया था कि 4 इक्वल टू 4 प्लस 1, तो ये लॉजिकली गलत होगा। 4 इक्वल टू 5 कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे ये गलत है। तो इस तरह से हम कांस्टेंट में डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप कोड ब्लॉक में नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है एरर, 8th लाइन में लिखा हुआ एरर आ रहा है। और एरर क्या है? एल वैल्यू रिक्वायर्ड द इंक्रीमेंट ऑपरेंड। तो इस तरह से आप पढ़ भी सकते हैं नीचे एरर यहाँ पर। सो आई होप आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आए होंगे। सो थैंक यू गाइस, मीट मी ऑन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय। योर फीडबैक इज वैल्यूएबल फॉर ऑल, सो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thank you.